योगी के गर्दन काट कर देने वाले बयान को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने मुसलमानों की गर्दन काटी है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सीएम योगी का गर्दन काट कर देने वाला बयान सरासर गलत है। कहा कि अगर कोई इंसान कुछ करके कहे तो ठीक है, लेकिन सीएम योगी ने उल्टे हमारी ही गर्दन काटने का काम किया है। अब समय आ गया है जनता वोट के जरिए घृणा और भेदभाव की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। इकबाल महमूद ने कहा कि हम हिंदू विरोधी क्यों होंगे, जबकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष खुद हिंदू हैं। यही नहीं, सभी दलों के प्रमुख नेता हिंदू हैं। सपा विधायक ने कहा कि भाजपा इस तरह के बयान देकर हिंदू लोगों को खुश करने में लगी है। वहीं उन्होंने सीएम योगी के 80 और 20 वाले बयान पर कहा कि चुनाव में आप देखेंगे कि हमारी तरफ से 60 होंगे और उनकी तरफ से 40 रह जाएंगे। ओबीसी को लेकर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। वहीं इकबाल महमूद ने और कुछ क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह से सीएम योगी का एक बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अगर गर्दन काट कर थाली में रख दूंगा लेकिन हिंदू जो विरोधी हैं वो कभी भी मुझे वोट नहीं देंगे, क्या कहना है इस बारे में? उनका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी पार्टी किसी समुदाय के विरुद्ध कह ही नहीं सकती कुछ भी। व्यक्ति के बारे में तो कहा जा सकता है, मगर किसी जाति किसी बिरादरी के बारे में कोई ऐसी राय नहीं रखता। हिंदू भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और हम सब में मेल है। इस बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुझे ताज्जुब होता कि जब कोई आदमी कुछ करे उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया और हम अगर इनके लिए गर्दन भी काट दें तो हम ये नहीं कर सकते। करा क्या उन्होंने, हमारी गर्दन उन्होंने काट ली। अब वक्त आ गया है कि जनता वोट के जरिए ऐसे व्यक्ति को जो घृणा की राजनीति करता हो, जो भेदभाव की राजनीति करता हो, जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से भी कुछ ना सीखा हो। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हवाले से कह सकता हूँ कि आम मुसलमान उनसे संतुष्ट था और उनकी बातों को सुनता भी था और ये भी कहता था कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं मगर गलत पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, सबको अगर साथ लें हिंदुस्तान में। मैं फिर आज ये कहता हूँ कि हम हिंदू विरोधी क्यों होंगे, हमारा नेता तो हिंदू है, माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू हैं। हर पार्टी का जो लीडर है जो अध्यक्ष है वो हिंदू है। अगर हिंदू विरोधी होते तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सब हिंदू ही हैं। हम तो सब इनके हमारे लोग हमारे मुसलमान हर पार्टी में हैं। अब वो लोग ये बात कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो हिंदू लोगों को खुश कर सकें। उनको याद रखना चाहिए कि हिंदू आज भी अक्सरियत में उनके खिलाफ है, उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर से। और अब इस इलेक्शन में ये जो 80 और 20 कह रहे हैं ये अब देखेंगे कि हमारी तरफ 60 आ रहे हैं। और ये मिसाल दी इन लोगों ने, तो चुनाव का मुद्दा समीकरण किस तरह से बदलाव होगा क्या? नहीं, मुद्दा और संबंध साफ है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर भी नौजवान जो लड़के हैं वो अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, कोई उनको नौकरी देने को नहीं मिल रही है। पढ़ लिख कर वो हैं, वो अपने सफाई कर्मचारी पर लगे हुए, सफाई कर्मी बन गए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि आप हमें वोट दीजिए हम चप्पल पहनने वालों को भी हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, चप्पल पहनने वाला आज तो बिल्कुल देखो क्या हालात मची हुई है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनकी आय दुगनी कर दी, उनकी तो भुखमरी के कगार पर बैठा हुआ है किसान। किसान मजदूर नौजवान और हमारा अल्पसंख्यक सब मिलकर इस सरकार से नाखुश हैं और ऐसी सरकार लेना चाहते हैं जिससे
हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भाईचारा बना रहे, हमारा देश के नौजवानों को नौकरियाँ मिलें, हमारे प्रदेश के अंदर ये जो महंगाई है इसकी महंगाई कम हो, बिजली के दाम घटाए जाएं और अच्छी बिजली दी जाए। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम अगर जीत कर आते हैं, हमारी पार्टी जीत कर आती है, तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और किसानों को भी मुफ्त बिजली देंगे। तो हम कर रहे हैं उनके लिए, इनके पास तो सिवाय लड़ाने के और भड़काने के और कोई काम नहीं है। अब रिश्वत दे रहे हैं किसानों को, वो समझ रहे हैं इस समय चुनाव आ गया तो चीनी दे दो, इन्हें तेल दे दो, इन्हें पैसे दे दो, भूखा समझ कर उन्हें दे रहे हैं।